बानाछिपा बड़ौद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय बैंसला का 5 दिवसीय बाना जिले के प्रवास चल रहा है। इस दौरान छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। इस प्रवास के दूसरे दिन 10 अप्रैल को छिपा बड़ौद के देवनारायण भगवान मंदिर हरनावदा जागीर में जनसभा का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज द्वारा राजकीय प्रेम सिंह महाविद्यालय से विजय बैंसला जी को घोड़ी पर बैठाकर देवनारायण मंदिर तक एक भव्य जुलूस के रूप में स्वागत सत्कार किया गया। मंच संचालन प्रधानाचार्य हरि सिंह गोचर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर 73 वीर शहीदों को नमन करते हुए की गई। श्रीमान विजय बैंसला जी के संबोधन की शुरुआत कर्नल साहब के द्वारा दिए गए अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा के नारे के साथ की गई, जिसमें उन्होंने संपूर्ण MBC समाज को बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। ग्रामीण प्रवास के दौरान क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने छिपा बड़ौद में बच्चों के लिए गुर्जर छात्रावास का जल्द संचालन करने की बात कही। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा तहसील अध्यक्ष नरवर सिंह गुर्जर ने छात्रावास निर्माण में भूमि आवंटन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं के बारे में विस्तार से समाज के लोगों के सामने बात रखी। जो भी चीज हम शुरू करें, हम वहां से शुरू करें जहां से सब कुछ शुरू हुआ। हमारे 73 शहीद हैं, हम उनको पहले नमन करेंगे। हम सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, मौन रखेंगे थोड़े मिनट, आधी मिनट का, जिससे हम याद करें, श्रद्धांजलि दें, उसके बाद अपनी बात शुरू। स्वागत व्यवस्था के लेकर ले हम यहाँ पर भाई साहब को यहाँ पर लेकर ले भी आ गए हैं। अब बस हमें उस क्षण का इंतजार है कि हम सभी मिलकर भाई साहब से सिरमुख से केवल और केवल कर्नल साहब के उन सपनों के बारे में पूछेंगे। वो हमें बताएंगे कि किन सपनों को लेकर वो यहाँ पर छबड़ा छिपौड़ो किशनगंज बारा अंता अट्टू इस तरह से पूरे 12 जिले का दौरा कर रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।